बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा सिद्धार्थ आया था तो मैंने उसे भेजा है अर्जुन को लाने के लिए। बस अर्जुन आता ही होगा उसके साथ। हाँ अब कुछ खा लो, फिर दवाई भी खानी है ना। मैं क्यों नहीं गई? माम, मैं आपको और बापू साहब को छोड़ के कैसे जा सकती थी? माम, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। अच्छा देखो, इन देखो माम, अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। माम मुझे भी दुख है हवेली छोड़ने का, जैसे आपको और बापू साहब को है। नहीं माँ नहीं, ऐसे ऐसे कैसे वो हमें बीच रास्ते में छोड़ देगा? देखना, जैसे उसे ये सब पता चलेगा ना, वो रोक नहीं पाएगा खुद को, दौड़ता हुआ आएगा। भरोसा है ना आपको अर्जुन पर? तो आपको उस भरोसे की कसम है माँ, प्लीज कुछ खा लो। अरे बहन, कमाल लग रहा है आपको।
बापू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैकेट वापस क्यों लगा रहे हैं? सारा सामान पैक होना है बापू साहब, पैक होना है। बापू साहब क्या हो गया है आपको? हमें ये बेकरी खाली करनी है। बापू साहब समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमें हवेली खाली करनी है। कहाँ गए हो? सुबह से गुमसुम बैठे थे, फिर न जाने क्या हुआ, सारा सामान उठाकर शेल्फ में रखने लगे और मैंने मना किया तो मुझे मार दिया। और अब पता नहीं बिस्किट बनाने की जिद कर रहे हैं। मैंने सुबह से कुछ खाया है? हाँ, दीदी ने थोड़ा सा खिलाया और किसी की बात तो सुन नहीं रहे हैं। आज घर में कोई आया था क्या? थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ भैया आए थे। कोई नहीं आया? नहीं, और तो कोई नहीं आया। अर्जुन नहीं आया था? नहीं, लेकिन दीदी ने सिद्धार्थ भैया को अर्जुन भैया के घर भेजा है। वो माँ सुबह से जिद कर रही थी कि अर्जुन भैया आएंगे तो ही खाएंगे। माँ को भरोसा है कि एक बार अर्जुन भैया आ जाए तो वो सब ठीक कर देंगे। हमें ये हवेली खाली नहीं करनी पड़ेगी। बाबा, क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन भैया सब ठीक कर देंगे? एक बार वो आए तो सही। ये हवेली का, इस हवेली में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की जिंदगियां अर्जुन के आने पर टिकी हुई है। चलो, अच्छा ये बताओ कि वैशाली की कैसी तबीयत है? अब ठीक है, लेकिन अर्जुन भैया के आने पर ही वो कुछ खाने की जिद कर रही थी। वो जिद उन्होंने छोड़ी नहीं? नहीं, लेकिन दीदी ने अर्जुन भैया की कसम देकर उन्हें कुछ खिला दिया है और दवा भी खिला दी। शुक्र है कि दवा तो खा ली उन्होंने। क्या है कि हफ्ते भर में हवेली को खाली करना है। इन दोनों की हालत अगर नहीं सुधरी तो हम क्या करेंगे? अच्छा तुम दुकान संभालो, मैं वाणी से मिलकर आता। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने कौन से गाल पर थप्पड़ लगाया? तो ये मेरी तरफ से, अब ये सब बराबर हुआ। तुम फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबू साहब, हमारे आटे वाले बिस्किट बहुत फेमस होते जा रहे हैं, अब तो ज्यादा स्टॉक बनाने पड़ेंगे। मैं तो कह कहकर थक गया हूँ बाबा से कि आप काम मत करिए, मैं आकर कर लूंगा, लेकिन ये किसी की सुनते ही कहाँ है। Thank you.
क्या बात है मामा जी, आप ही खूब हैं। तभी मैं कहूँ उस दिन उनका वकील हमारी तरफ से केस लड़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। अरे बहुत ही आसान था भांजे, वो बहुत ही आसान। बात दरअसल ये हुई। अरे नमस्कार सर। नमस्कार। आ गए आप, मुझे अपने ऑफिस बुला लेते सर, मैं खुद ही चला आता। अरे भाई बात कुछ ऐसी थी कि मैं तुम्हें ऑफिस में नहीं बुला सकता था, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ चलकर आना पड़ा। अवस्थी तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत तरक्की करोगे, लिख कर ले लो। लेकिन ये तुम जॉब वॉब के चक्कर में कहाँ पड़ गए भाई? तुम्हारे जैसे काबिल वकील को तो अब तक अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। आखिर कब तक तुम शेखावत के असिस्टेंट बने रहोगे? अपनी प्रैक्टिस तो मैं खुद कब से शुरू करना चाहता हूँ सर, मगर बगैर चैम्बर के प्रैक्टिस आप तो जानते ही हैं कहाँ हो पाती है। उसके बगैर तो मैं लोगों के एफिडेविट बनाता रह जाऊंगा। अवस्थी साहब आपकी समस्या चैम्बर है तो भाई ये चैम्बर हम दिला देते हैं आपको। इनकी तारीफ? भाई ये आदमी बहुत काबिले तारीफ है। शेखावत के एब्सेंस में तुम इन्हीं के खिलाफ हवेली का केस लड़ने जा रहे हो? ये स्वरूप नारायण जी के साले हैं। तो बताइए अवस्थी साहब, कब चले हम आपका नया चैम्बर देखने? और जरा ये भी बता दीजिए कि किस एरिया में चाहते हैं आप अपना नया चैम्बर? तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी करके इस केस में आपका साथ दूं? नहीं 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 अवस्थी साहब, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं भाई। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने नए चैम्बर में बैठकर अपनी प्रैक्टिस करें। समझिए अवस्थी साहब, समझिए बात को। शेखावत साहब को अगर इस बात का पता चल गया ना तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब अवस्थी साहब ये फैसला आपके हाथ में है, अब शेखावत बिस्तर से उठेगा या नहीं उठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप अपने नए चैम्बर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी पूरी गारंटी है। एग्जैक्टली। सोचिए सोचिए, बदल सकती है किस्मत। क्या बात है मामा जी, आपका जवाब नहीं। तभी मैं कहूं उनका वकील हमारी तरफ से केस लड़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। यही तो बात है भांजे कि कानूनी पचड़ों में ना सिर्फ अपने ही काम में ध्यान देना पड़ता है बल्कि दुश्मन के खेमे में क्या हलचल चल रही है उस पर भी नजरों को कड़ा के रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। और मामा जी दोनों वकीलों ने अपना अपना पार्ट बखूबी निभाया है। हाँ वो तो है, बस एक पार्टी केस के दोनों वकीलों को कर दो ताकि अगली डेट पे अपना काम आसान हो जाए, बेहतरीन हो जाए। क्यों नहीं मामा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बुलाओ उन दोनों को किसी दिन। हाँ बस करते हैं इंतजाम। छोटे मालिक को बड़े मालिक। क्या हुआ बड़े मालिक को, वो ठीक तो है ना? जी ठीक तो है, पर बड़े मालिक हवेली जाना चाहते हैं। हवेली जाना चाहते हैं, क्या करेंगे वहां जाकर? उन्हें कह दो कि उन्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। मालिक मैंने उनको बहुत कहा है कि बड़े मालिक आपको हवेली जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जिद पकड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से उनको कह के आया हूँ कि छोटे मालिक से पूछ के आता हूँ। ठीक है, अगर वो जिद पकड़ के बैठे हैं तो उनको लेके जाओ, और हाँ उनके साथ ही रहना, ठीक है? अरे भांजे, अरे भांजे, जरा अरे बाहर जाके खड़े हो, बुला रहे हैं भी। जी। भांजे तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है, जानबूझकर दुश्मन के घर में बुढ़ऊ को भेज रहे हो? अरे ऐसे में वहां पर गए
क्या होगा? अरे वैसे भी आजकल इस बुढ़ापे में उनको अपने पापों का प्रायश्चित करने का भूत सवार है, अपने आप को सुधारने का भूत सवार है। टूटिया डूब जाएगी, सबकी धरे में पानी फिर जाएगा, समझो। जाने दो मामा जी, वहां जाके क्या कर लेंगे? अरे दो आंसू वो भी जाके बहा लेंगे, आखिर कोर्ट के ऑर्डर को बदल तो नहीं सकते ना। ये क्या भूल कर रहे हो भांजे, क्या भूल कर रहे हो? कहावत सुनी ना तुमने कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत, बस। अरे वाणी के परिवार के साथ इस वक्त कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं। और वो अर्जुन, अर्जुन तो सिर्फ केशव कपूर की तीमारदारी में लगा पड़ा है। अब ऐसे में अगर बुढ़ू उनके घर पे गए और हवेली के खाली करने का रोना धोना उन लोगों ने रो दिया, तो भावनाओं में बह के कहीं अगर बुढ़ू ने कोर्ट में खड़े होकर हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो क्या होगा? सारे चीज कराए पर पानी फिर जाएगा, भंडाधार हो जाएगा भांजे, सोचो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसे तो मामा पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। राधेश्याम, तुम जाओ और दादा साहब से बोल दो कि उनको हवेली जाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे मालिक ने मना कर दिया, जाओ। ठीक है, पर वो मानेंगे नहीं। वो जो शोर मचाएंगे वो मैं देख लूंगा, तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाओ उन्हें मना करो। जी। सिद्धार्थ, थैंक गॉड यार तुम आ गए। क्या हुआ यार ऐसा? मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हें देख के कितना अच्छा लग रहा है। तुम पहले ये बताओ, वहाँ सब ठीक है? वानी, माँ, बाउसा, हुसैन बाबा, सुंदर, सब ठीक है ना? सब ठीक है यार, सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं यार, कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले लगा कि शायद डैड की वजह से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन डैड तो बिल्कुल ठीक है। फिर लगा पता नहीं वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। मन तो किया कि मैं वाणी को फ़ोन करूं। तो तुमने वाणी को फ़ोन किया? बहुत रात हो चुकी थी लेकिन उसे रुका नहीं गया। मैंने वाणी को फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तुम वाणी से मिले? वाणी ठीक है? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ सब ठीक है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे डैड कैसे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे। तुम्हारी वाणी से बात हुई, तुमने नेहा के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? तुमने मना किया था तो कैसे बता सकता था यार। लेकिन हाँ, तुम्हारी मंगनी के बारे में उन्हें पता चल गया। क्या? कैसे? मतलब जिस चीज का डर था वो हो गया। सिद्धार्थ, मैं सोच रहा था कि यार पहले अपने सारे हालात बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे मेरी मंगनी हुई, क्यों हुई। हरिहर ने बताया ना? हाँ, हरिहर। लेकिन तुम कैसे जानते हो सर? तुमसे क्या छुपा? वाणी के चाचा हैं स्वरूप नारायण, वो हमारे बिजनेस राइवल हैं। उन्हीं का साला ही हरिहर, उसने डैड को मेरे और वाणी के प्यार के बारे में बताया था, जिसके कारण डैड को हार्ट अटैक आया था। यार मैं सोच रहा था कि वाणी को पहले अपने हालात बताऊंगा, उसको सब बताऊंगा कि किन हालातों से मैं गुजरा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ है और क्यों ये सगाई। हरिहर ने सब नाराज होंगे ना सब? नहीं, नाराज तो नहीं है, लेकिन हाँ दुखी हैं। उनको अभी पूरी तरीके से यकीन तो नहीं है इस बात पे, इसीलिए तुमसे मिलना चाहते।
और हाँ, केस में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। कैसी कॉम्प्लिकेशंस? जब तुम घर आओगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें। यार सिद्धार्थ, कल डैड को घर लेके जाना है, डिस्चार्ज होंगे और उससे पहले मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे घर वालों को यही लगता है कि मेरी वजह से डैड को हेड लगा है, और सही भी है। जब डैड को मेरे और वाणी के प्यार के बारे में पता चला तभी वो नहीं अटैक आया। जब तक डैड घर नहीं पहुंच जाएंगे मैं नहीं आ पाऊंगा। प्लीज़ यार, प्लीज़ वाणी को ये सब समझा देना। सिद्धार्थ, तुम मेरी जगह खुद को रख के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मैं ये सब क्या कैसे झेल रहा हूँ। अर्जुन, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस परेशानी में। हाँ, एक तो अपने प्यार से इतना दूर हो, और ये गिल्ट भी है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया। हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ यार, मेरा ये एक काम कर दो, बस तुम वाणी से कह दो एक दिन की मोहलत मुझे दे दो, एक दिन बस मुझे दे दे, मुझे सारे हालात जो कुछ मेरे साथ हुए मुझे एक बार वो बताने का मौका दे दे, उसके बाद जो फैसला लेना है। प्लीज़ सिद्धार्थ, प्लीज़ इतना कर दो यार, एक बार उसको मना लो यार, प्लीज़। हाँ हाँ बाबा, मैं कर दूँगा। वाणी मेरी दोस्त है, तुमसे भी मैंने दोस्ती की है, अब दोस्त को मेरी ज़रूरत है तो मदद तो करनी पड़ेगी, फ़र्ज़ बनता है भाई। तुम फिक्र मत करो, वाणी को मैं समझा भी दूंगा और संभाल भी लूंगा। वक्त अपना खेल खेल रहा था और बिसात धीमे धीमे सिद्धार्थ के फायदे में बिछ रही थी। सही और गलत अपना मायने खो चुके थे, मगर सिद्धार्थ ये भूल रहा था कि रातें कितनी भी लंबी हों, आखिरकार सुबह से हार ही जाती हैं।